भाई देखो स्टोरी ऐसी है ना, बताता हूँ ठीक है। उन्होंने ओपनर तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। सो व्हाट्स अप गाइस, बैक टू द चैनल। तो गाइस ये हमारी लोकेशन है जहाँ पर हम रहते हैं दिल्ली में, और अभी मैं कमरे पे आ रहा हूँ। और मैंने ना अभी इतने सारे कपड़े जो हैं धो रखे हैं, ये सारी लाइन मैंने धो रखी है, और यहाँ से भी सारे कपड़े धो रखे हैं। तो फाइनली इनको मैंने सुखा दिया है, और जूते भी धोती एक जोड़ी। तो भाई बहुत दिनों बाद YouTube में वापसी हो रही है यार मेरी, कम से कम 2 महीने हो गए। मैंने 2 महीने से एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज संडे का दिन था, मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाऊं। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि भाई अमित का मैच देखने जाते हैं, लेदर के बॉल से है। उसने बोला वहाँ टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो मैंने बोला भाई मैं कपड़े धो के खाना वाना बना के खा के आ जाऊँगा, और 2 घंटे मैच देखेंगे, फिर उसके बाद मैं वापस घर पर आ जाऊँगा कमरे पर। गाइस ये हमारी छत है जहाँ से इतनी अच्छी लोकेशन दिखती है, और यहाँ पर ना मेट्रो चलती है यहाँ पे। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू है नाम, दोनों का नाम चिंटू है। और तेरा नाम क्या है? नाम मेरा नाम इस जगह का नाम क्या है भाई? यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे नाम क्या है? यहाँ का खिचड़ीपुर कहाँ पड़ता है? कल्याणपुरी में। तो गाइस हम रहते हैं कल्याणपुरी। यहाँ से ना जो गाजियाबाद वाला हाईवे है वो यहाँ पर है। देखो ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये गाजियाबाद वाला हाईवे सीधा डायरेक्ट इस तरह की लोकेशन पर है। हम मतलब यहाँ से मैं आया था अभी, और यहाँ से जाना है इधर को। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पे, मतलब यहाँ से मेरे को रिक्शा मिलेगा, और यहाँ से मुझे ना इस तरफ जाना है। अरे प्रभु धूप बहुत तेज़ लग रही है, देखो बादल भी लगे लेकिन धूप भी लगी है। तो क्या बनाया? खाना खाना बनाया नहीं कुछ मैंने अभी। कुछ बना, रात में भी बना लेंगे यार। क्या बनाएंगे? बाहर से खा लेंगे। वो ये बल्ला तो इतनी जोर से घुमाया था लेके, मैं खा लूंगा। 2 ओवर में 5 रन। अगले खिलाड़ी अमित भाई जाएंगे, जो कि पूरा पैड वेट के रेडी है। कौन से बैट से खेल रहा तू? क्या रखा तू भाई? तो भाई अगले खिलाड़ी अमित भाई होंगे यहाँ पे जाने वाले, जो कि पूरा पैड लगने रेडी है। देखते हैं अब आगे मैच का नज़ारा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। भाई देखो स्टोरी ऐसी है ना, बताता हूँ ठीक है। मैं गया था अमित का मैच देखने के लिए वहाँ पे त्रिलोकपुरी में, तो एकदम से संतोष कॉल आया कि भाई मैच है नोएडा में, चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया मैं, और अब हमारा मैच है यहाँ पे आज, वो भी 4 बजे से शाम को। वो देखते हैं क्या होता है। मतलब दिल्ली में मेरा दूसरा मैच है आज, पहला मैच मैंने वहाँ पे खेला था, उसमें मैंने बनाया था 63 रन। तो अब आज हमारा सेकंड मैच यहाँ पर है। हाँ ख़राब है यार, जब होगा तब देख ही जाएगा। आओ तो सही टाइम से आओ यार, मैच 3:30 हो गया। सो गाइस ग्राउंड की जो क्वालिटी है ना भाई, बहुत ही अच्छी है यार। मतलब यहाँ पर पूरा अच्छा ग्राउंड है। हमारे पहाड़ों में तो अजीब सा होता है ना, पत्थर वत्थर झाड़ी झाड़ियाँ होती हैं, और यहाँ पर प्रॉपर एकदम ग्राउंड है। देखो भाई आउटफील्ड कितना अच्छा है ना भाई, और यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो वेट करो हमारे मैच का। मैंने अमित का मैच तो आपको दिखाया था कैसा था, वहाँ पर कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पर मज़ा आने वाला है आज हमको। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्टिंग। अभी टीम आई नहीं है दोनों, मतलब हमारी टीम तो आ गई है आधी। भाई साहब यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है नेट पर, दोनों टीमों की प्रैक्टिस चल रही है, और थोड़ा ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है इस वाले ग्राउंड में। यहाँ पर चल रही है प्रैक्टिस। व्हाइट बॉल। वो आ तो गए, कौन है वो?
हमारे खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं यहाँ पे ओपनिंग के लिए, संतोष भाई जो कि चुकम की टीम से खेलते थे ओपनिंग, आज भी यहाँ पे ओपनिंग करेंगे। भाई बारिश का मौसम हो रहा है, दोनों ओपनर तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। कुछ कहना चाहते हो भाई, कैसी फीलिंग आ रही है अभी कूटने वाली? दोस्तों हम मैच जीत चुके हैं फाइनली, और अब बारी आ चुकी थी स्कोरबोर्ड देखने की। स्कोरबोर्ड ये चेक कर लो भाई, हमारा स्कोरबोर्ड ऐसा था कुछ। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने कमरे के छत पे, जहां से रात का नज़ारा ऐसे दिखता है, देखो यहां से पूरा लाइटें बैठे हैं इस तरफ। और भाई हम मैच खेलने गए थे, आपको पता ही है, मैंने एक भी सूट नहीं लिया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो मैच की सीरीज ऐसी रही, हम जीत गए थे और मैंने बनाए 13 बॉलों में 4 रन, और हमारे साथ संतोष भाई गए थे जो उन्होंने बनाए 2 रन। मेरे को पता दिख नहीं रहे होंगे लेकिन यहाँ पर हैं गाइस। फाइनली अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आज का संडे हमारा ऐसे निकल गया। अब मिलते हैं, अब आपको पता नहीं अगले ब्लॉग में कब बनेगा। वैसे कमेंट करना भाई, जो लोग मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं वो बताना कि भाई ब्लॉग बनाओ नहीं बनाओ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो बताना, मैं बनाऊंगा। और अभी के लिए सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, मिलते हैं अब आपको अगले दिन में और अगली वीडियो में। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।